2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल वॉर रूम और प्रचार समिति का भी गठन किया है। मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी है। वहीं राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उधर तेलंगाना में चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुना है। सूत्रों की अगर माने तो ये कमेटी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी। पार्टी कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर है, कहां पिछड़ रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट सेंट्रल कमेटी को देगी और इसी के आधार पर सीट शेयरिंग के लिए अपनी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। इंडिया गठबंधन के सामने पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए इस कमेटी की सिफारिश को मानेगी।